देखिए, केंद्रीय कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है, अगले साल से ये लागू होगा। हम बात करेंगे बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रवक्ता डॉक्टर विनय कुमार से। इन लोग इसको कैसे देखते हैं, कर्मचारी संगठन की क्या राय है ये बताइए। अगले साल से यूपीएस लागू होने वाला है, केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, इस निर्णय से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है। अभी हम उम्मीद थी, जिस तरह से सरकार ने वार्ता के लिए बुलाई थी प्रधानमंत्री ने, तो उम्मीद थी कि जो ओपीएस का विगत कई वर्षों से हम लोग का डिमांड था उसको पूरा करने की बहुत उम्मीद थी। देश भर में जो ओपीएस के लिए जो संगठन था वो आंदोलन करते आ रही थी, लेकिन जिस तरह से यूपीएस के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया है सरकार ने, उससे हम लोग तनिक भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो में 10% जो डिडक्शन एनपीएस में होता था, फिर से इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यूपीएस में 10% डिडक्शन की बात हो रही है। इसके अलावा जो इसमें है, जो टोटल पेंशन के लिए जो अवधि दी गई है वो 25 वर्ष दी गई है, लेकिन जो ओपीएस में था वो 20 वर्ष था। इसके अलावा जो 10 वर्ष यदि आप सेवा कंप्लीट करते हैं तो केवल 10,000 जो है पेंशन दिया जाएगा, लेकिन जो ओपीएस था उसमें ऐसा कोई प्रावधान ना था। इसमें ग्रेच्युटी भी कम है। इसके अलावा ओपीएस में जो था, जो आप जो पेंशन स्कीम में रहते थे 80 वर्ष के बाद या उसके बाद जो है पेंशन में वृद्धि होती थी। उसके अलावा वेतन आयोग का भी बात होता था ओपीएस में। इस तरह से हम लोग अभी चाहते हैं सरकार से पिना, जिस तरह से 1 अप्रैल 2025 से सरकार की डिमांड थी, सरकार का जो है सो ऐसा कहना है कि जो हम यूपीएस को लागू करेंगे, तो हम लोग का ऐसा पूरा देश भर में ऐसा डिमांड है कि आप ओपीएस की जो भी नियमावली थी, जो रूल रेगुलेशन था, उसको यूपीएस में समाहित कर दीजिए। यूपीएस नाम रहने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो इसमें पद्धति है उसमें बहुत सारी खामी है। हम लोग यूपीएस से तनिक भी संतुष्ट नहीं है। एनपीएस को तुरंत ओपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तभी कर्मचारियों में एक तरह से खुशी का माहौल बनेगा। लोग 25 वर्ष नौकरी नहीं कर पाएंगे, जो लोग देर से सरकारी कर्मचारी बनते हैं, क्या उनको दिक्कत नहीं होगी? जरूर दिक्कत होगी। बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मान लीजिए अभी सरकार बोल दिए हैं यूपीएस में, अभी तो वैसे टोटल इसका जो है सो प्रावधान नहीं आया है, लेकिन यूपीएस में बोल दिए हैं जो 25 वर्ष यदि कंप्लीट सेवा होगा तभी आप पूरे 50% प्लस डीए के लिए जो है सो आप एलिजिबल होंगे। मान लीजिए कोई पदाधिकारी जो लेट से सरकारी एम्प्लॉय बनते हैं और उस क्रम में यदि वो जो है सो 25 वर्ष की सेवा पूरा नहीं करते हैं, तो फिर उसको पूरा पेंशन नहीं मिल पाएगा। तो ये एक इस तरह का बहुत सारा खामी है यूपीएस में। ये कहना है कि या तो सरकार इसको वापस ले, आ नहीं तो ओपीएस में जो प्रावधान था वो यूपीएस में डाले, लेकिन महाराष्ट्र में ये लागू हो गया है, क्या आगे चल के बिहार में भी लागू होगा, एक बड़ा सवाल है। वैसे जदयू के नेता मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे जो आंदोलन था ओपीएस का, वो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार जिसको मन हो, राजनीति की बात ये नहीं है। यदि कर्मचारी जीवन भर अपना सेवा देता है, अपना सर्वस्व समर्पित करता है, यदि एमएलए एमपी एक दिन की सेवा के बाद उसको पूरा पेंशन मिलता है, तो सरकारी कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा क्यों देने की जरूरत है? सरकारी कर्मचारियों को यदि 10 वर्ष सेवा करेगा तो 10,000 देकर क्या होगा? यदि हम तो कह रहे हैं, जो सरकार जो बोल रही है जो 18.5% हम अपना योगदान देंगे और कर्मचारी का 10% बेसिक का, तो केवल 10% यदि 25 वर्ष कोई देगा तो भी उससे ज़्यादा पेंशन मिलता। सरकार इसमें अंशदान को 14% से बढ़ा दी है, 18% की है, लेकिन उससे वो केवल दिखाने के लिए हम लोग को लगता है। आप ही मान लीजिए जो 10% जो डिडक्शन, किसी का 1,00,000 यदि वेतन है और 10% डिडक्शन करके 10,000 पर मंथ यदि 25 साल तक यदि देता है, तो वैसे ही उसका जो है सो पेंशन जो है सो 1,00,000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब आप लोग का आंदोलन जो है और बड़े स्तर पर हो सकता है, आंदोलन और तीव्र होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से चुनाव से पहले एक आयोग की गठन की गई थी, तो हम लोग को ऐसा उम्मीद था कि हो सकता है ओपीएस के लिए सरकार जो है सो कृतबद्ध है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो नया या यूपीएस की पद्धति लाई है, इससे लगता है ये एक शीघ्र उपाय है और कर्मचारियों को भ्रमित करने का उपाय किया जा रहा है। देखिए, ये लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बड़ा आंदोलन होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।